नमस्कार, मैं जोसेफ राव आपको आप सबको अभिवादन करता हूँ। नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा चैनल में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख सुर्खियों में हम बात करेंगे आने वाले दिनों में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की, जिसकी प्रक्रिया 18 जुलाई से शुरू होने वाली है। और अभी सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है इस प्रोसेस में भाग लेने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दो दिग्गज नेता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो खुद एनडीए के दलों से और अगर मुनासिब हुआ तो अपोजिशन के लोगों से, विरोधी पक्ष के लोगों से बात करें और शायद कोई कंसेंसस से कोई उम्मीदवार अगर आता है, नाम सामने आता है तो उस पर विचार करें। वैसे राजनाथ सिंह पर इसके पहले भी ये जवाबदारी पिछले चुनाव में दी गई थी और उनका प्रदीर्घ जो राजनीतिक इनिंग रही है, पॉलिटिकल इनिंग रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और आज देश के रक्षा मंत्री है और साथ में इस बार उनको जेपी नड्डा का साथ मिल रहा है, ये दोनों अपनी तैयारी चालू करेंगे। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी शुरुआत की है और उन्होंने इस सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष जो कांग्रेस की सर्वेसर्वा हैं सोनिया गांधी से के सहित 22 प्रमुख नेताओं को राजनीतिक दलों के, जिसमें कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी है, उनको पत्र लिखा है और उनसे आग्रह किया है कि वो दिल्ली में 15 जून को इकट्ठा हम लोग मिलें और बातचीत करें। उन्होंने जिन लोगों को पत्र लिखा है ममता बनर्जी ने, उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियां हैं और उल्लेख करना चाहूँगा उनकी प्रतिद्वंदी रही है लेफ्ट पार्टियां, जिसमें सीताराम येचुरी और केरल के मुख्यमंत्री पिन्यारी विजयन ये भी रहेंगे। उन्होंने साथ में नवीन पटनायक को भी, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उनको भी बुलाया है। हालांकि नवीन पटनायक जो है उनका थोड़ा झुकाव जो है एनडीए की तरफ रहता है और हमेशा से रहा है, मगर उन्होंने अपना पत्र जो है उनको भी भेजा है और ये पहल अभी 15 तारीख को जब सब लोग इकट्ठा होंगे और कितने लोग इकट्ठा होते हैं और कैसी आगे बात चलती है देखा जाएगा। महाराष्ट्र से शिवसेना के प्रमुख, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी आमंत्रित किया गया है, मगर शायद उद्धव ठाकरे उस दौरान दौरे पर है और वो अपने प्रतिनिधि के रूप में राज्यसभा के सांसद और पार्टी के सचिव महासचिव जो स्पोक्समैन हैं संजय राउत शायद इस बैठक में शामिल होंगे। इस बीच में एक और नया डेवलपमेंट ऐसा है जहां कांग्रेस का अध्यक्ष सोनिया गांधी इसमें भाग लेगी और उनका इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक योगदान रहेगा। महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने एक अपना बयान दिया है, उनका कहना है कि अगर राष्ट्रवादी के प्रमुख राष्ट्रीय नेता श्री शरद पवार अगर इस दौड़ में है, राष्ट्रपति बनने की दौड़ में है, तो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उन्होंने अपना रोल जो है जाहिर किया है कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी तरह से उनका साथ देंगी। और अगर ऐसा होता है, पवार साहब एक उम्मीदवार के रूप में उभर कर आते हैं, तो ये महाराष्ट्र के लिए दूसरी बार ऐसा होगा राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के बाद जब एक मराठी भाषी व्यक्तित्व को इस चुनाव में उतारा जाएगा। हालांकि प्रतिभा पाटिल तो चुनकर आई थी, अभी तो वक्त ही बताएगा कि पवार साहब के साथ कितने लोग साथ देते हैं। ये 15 के बैठक के आसपास ये सब चीज़ें तय हो जाएगी और ये देखना होगा कि
अभी क्या फ्यूचर हो सकता है, कौन राष्ट्रपति हो सकता है और ये कैसे जन सामान्य को ये बात मान पड़ेगी, 15 के आसपास ये बात अपोजिशन की तरफ से तय हो जाएगा। और इस बीच में अगर राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा कोई हलचल करते हैं, कुछ लोगों से औपचारिक या अनौपचारिक मिलते हैं, कोई बातचीत सिलसिला सामने आता है तो वो भी बात सामने आएगी। दूसरी बड़ी प्रमुख खबर है कि आज देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता और जो लोग हैं वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का जो नोटिस दिया है और उनसे जो अपीयर होने के लिए कहा गया है उसके विरोध में आज देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और राहुल और सोनिया की तरफ से ये स्पष्ट कह दिया गया उनके लोगों ने, दिस नथिंग टू हाइड, यानी हमें कुछ छुपाना नहीं है, हम तो जाएंगे और जो ईडी को चाहिए वो बताएंगे। और बीजेपी ने भी कटाक्ष करते हुए कहा है कि आप बताइए ईडी को जो बताना है। तो अभी आज दिन भर में ये प्रदर्शन हो रहे हैं जगह जगह में, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रमुख शहरों में या बहुत सारे शहरों में आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी को, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के जरिए ये एनडीए सरकार कुछ प्रताड़ित करना चाहती हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा ईडी में क्या निकलता है, मगर आज देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच अभी राज्यसभा के पिछले हफ्ते हुए चुनाव में महाविकास आघाड़ी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और जैसी की अपेक्षा थी उनको इंडिपेंडेंट एमएलए या निर्दलीय उम्मीदवार जो पार्टी को, जो सरकार को समर्थन कर रहे थे, शायद उन्होंने साथ नहीं दिया और उनका साथ लेने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही और भारतीय जनता पार्टी के तीसरे उम्मीदवार धनंजय महाड़िक जो कोल्हापुर से ताल्लुक़ रखते हैं वो चुनकर आए। और कोल्हापुर से ताल्लुक़ रखने वाले शिवसेना के जिलाध्यक्ष संजय पवार को मात खानी पड़ी। इस बीच हुआ ऐसा है कि अभी तक महाविकास आघाड़ी के रूप से, संयुक्त रूप से ऐसा कोई बयान नहीं आया है, ऐसी कोई रिएक्शन नहीं आई है कि ये हार का क्यों ही है और इसका ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जा रहा है। शिवसेना के नेता और पार्टी स्पोक्समैन संजय राउत, जो कि एक संपादक भी है, वो हमेशा मीडिया के लिए जो अवेलेबल रहते हैं, उन्होंने अपना बयान दिया है। उन्होंने कुछ लोगों के नाम, निर्दलीय लोगों के नाम लिए हैं और कहा कि इन लोगों ने वोट नहीं दिया है। अब ये तो उनसे वोट लेना और उनको अपने पाले में रखना, ये जवाबदारी तो महाविकास आघाड़ी के लोगों की है, शिवसेना की है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है, जो इंडिपेंडेंट एनालिसिस करते हैं उनका कहना है कि महाविकास आघाड़ी में शिवसेना से कुछ पार्टी, कुछ लोग नाराज हैं। ये निर्दलीय विधायक जो है प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से नाराज है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने उनको कुछ आश्वासन दिया था कि उनकी जो समस्याएं हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो कोई कैबिनेट मंत्री के जरिए, उनको एक ही कैबिनेट मंत्री उनके जिम्मे ये जवाबदारी दी जाएगी कि वो ये निर्दलीय विधायकों की जो बात है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी की, जन समन लोगों को जो राहत दिलाने की बात है या और भी उनकी कुछ मांगे जो होंगी, चाहे रास्ता हो, पानी हो या जो भी है, या आरोग्य सुविधा हो, शिक्षण हो, इसमें एक ही कैबिनेट मंत्री उसकी जवाबदारी दी जाएगी। मगर शायद ऐसा नहीं हुआ है, ये तो रही निर्दलीयों की बात। मगर इस बीच कुछ मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो दो तीन जो छोटे पक्ष रहे हैं उनकी भी शायद भूमिका ऐसी होंगी कि शायद उन्होंने अपना मत जो है
महाविकास आघाड़ी के जो बाकी जो उम्मीदवार थे जैसे राष्ट्रवादी के प्रफुल्ल पटेल और बाकी लोगों को दिया है, मगर जहां शिवसेना के उम्मीदवार को देने का सवाल आता है वहां शायद मुझे लगता है कि उन्होंने वोट नहीं दिया है। ये तो सीक्रेट होता है बैलेट, गुप्त मतदान होता है, मगर जैसे MIM के असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने ये जाहिर कर दिया था, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ हैं, और मगर शिवसेना से उनकी नाराजगी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस से ऐसा उन्होंने बताया था। अभी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से उनके लोगों ने शिवसेना के उम्मीदवार को वोट दिया या नहीं दिया ये तो उनको ही मालूम है, मगर इसका खामियाजा जो है महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार रहे शिवसेना के संजय पवार उनको भुगतना पड़ा है। हितेन ठाकुर और जो बाकी लोग जो हैं उन्होंने भी शायद मुझे लगता है जहाँ तक कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने भी मत नहीं दिया है संजय पवार को, और संजय पवार को कम वोट मिले और उनको हार का सामना करना पड़ा। ये अभी इस सब राज्यसभा चुनाव के बाद अब सब सारा ध्यान जो है अभी 20 जून को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा के जो सदस्य जो चुनकर देते हैं विधान परिषद के लोगों को वो चुनाव होना है। विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए अभी से भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग सक्रिय हो गए हैं। महाविकास आघाड़ी की ओर से भी ऐसा कोई फिलहाल तो कोई आजकल में कोई मीटिंग या ऐसा कोई मुझे दिख नहीं रहा, शायद फिर से वो उनको बैठ कर ही तय करना चाहिए या करना पड़ेगा कि अभी हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, हमारे कितने उम्मीदवार खड़े हैं और कितने लोगों को चुनकर लाना है, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास एक नेतृत्व जो है वो है भारत उनके पूर्व मुख्यमंत्री और अभी प्रतिपक्ष के नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी, देवेंद्र जी का कद जो है बढ़ता जा रहा है और उनकी स्ट्रैटेजी काम आई और महाड़ी को उन्होंने चुनकर लाया है। अभी विधान परिषद चुनाव अभी एक बार फिर से इसको हम जो कहते हैं लिटमस टेस्ट होगा, ये चुनाव तय कर सकता है कि ये आगे चल के भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहेगा या महाविकास आघाड़ी का वर्चस्व रहेगा, क्योंकि ये चुनाव भी बहुत प्रेस्टिजियस माने जाते हैं और सदस्य संख्या जो है अगर विधान परिषद में जो भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीदवारों को खड़ा कर रही है अगर चुनकर आते हैं तो उनके लिए बड़ी गौरव की बात होगी, और विधान परिषद में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और साथ ही राष्ट्रवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, और उनको एक पुराने भारतीय जनता पार्टी के पुराने मंत्री विश्वस्त जो उनके साथी रहे, कभी एक ज़माने में वो नंबर 2-3 हुआ करते थे कैबिनेट में और उससे पहले प्रतिपक्ष के नेता थे एकनाथ खड़से, उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अपने जब साथ में लिया अपने फोल्ड में लिया तब से वो वेटिंग में थे और ये उम्मीद थी कि कभी ना कभी उनको उनको लोकसभा और इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उनकी जो लड़ाई है वो महाराष्ट्र में ही है और उनको जिस ढंग से महाराष्ट्र में मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा और उनके पीछे फिर बाद में कार्रवाइयाँ शुरू हुई तो उनका जो सारा ध्यान है या जो सारा अपनी जो ताकत लगाना चाहते हैं वो विधानसभा के फ्लोर से अपनी आवाज़ विधान परिषद के फ्लोर से अपनी बात विधानमंडल में करना चाहते हैं और शायद इसमें उस कामयाब होने वाले हैं, उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारी दी है। कांग्रेस ने दलित नेता चंद्रकांत हांडोरे और भाई जगताप जो बंबई के एक बड़े कद्दावर नेता उन दोनों को दिया है। अभी आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा 20 जून के पहले क्या स्ट्रैटेजी तय होती है और कौन कौन लोग कैसे कैसे चुनकर आते हैं। फिर इस बार अभी पिछले बार तो हमने काफ़ी इसके ऊपर चर्चा की है हॉर्स ट्रेडिंग तो अभी आजकल मामूली बात हो गई है, अभी चुनाव में कितना हॉर्स और कितना ट्रेडिंग होता है मालूम नहीं, मगर अभी ये इस हफ्ते के अंत के पहले पहले वीकेंड के पहले पहले ये तय हो जाएगा कि कौन लोग
उभर कर आ रहे हैं और उनकी किनके जीतने की संभावना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार।